नमस्कार दोस्तों, कनाडा चैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे, आप बोर्ड पे देख सकते हो कि एक कमाल का टॉपिक ये लिखा गया है कि कंपटीशन एग्जाम क्रैक करने का टिप्स। मतलब आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको कैसे क्रैक करना है। इस पूरे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कॉम्पिटिशन का एग्जाम कैसे क्रैक किया जाता है। देखो, जब आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम देने जाते हो ना, तो सबसे पहले आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर तो होता ही ऑलरेडी, ये बात सबको पता है, मेरे को भी पता है और आपको भी पता है। तो कंपटीशन का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बेसिक है और माइंडसेट में रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बताते हैं अपने तरीके से, लेकिन ये मेरा अपना तरीका है और इसको अगर आपने यूज किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों को मैंने गाइड किया है और ये टिप्स यूज करके 100 नहीं 200% गारंटी के साथ उनको उस कॉम्पिटिशन में सफलता मिली है। सबसे पहले कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपका जो भी एग्जाम देने जा रहे हो उसका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक आपका क्लियर है, मतलब उसके फंडामेंटल आप कह लो कि फंडामेंटल अगर आपका क्लियर है, तो आपको एग्जाम में कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि आपका फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट आता है, एक मेजर पॉइंट टाइमिंग को लेकर के है। टाइमिंग एक बहुत मेजर पॉइंट है। अगर हम टाइमिंग की जब बात करते हैं ना, तो अगर आप सही टाइम पे सही चीज यूटिलाइज नहीं करेंगे, जैसे अभी मान लो पॉलिटेक्निक हो या इंजीनियरिंग हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो, तो उन सब एग्जामों में टाइमिंग का इशू बहुत ज्यादा होता है। पहले था कि टाइमिंग का इशू थोड़ा कम होता था, लेकिन आजकल के एग्जाम में टाइमिंग एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट हो गया है और टाइमिंग को आपको माइंडसेट पे रखना पड़ेगा। तो फास्ट टाइमिंग विथ स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क के साथ अगर फास्ट टाइमिंग आप यूज करते हो, तो कंपटीशन में आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। तीसरा आता है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, जो माइंडसेट होता है आपका वो होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन का आंसर पता होगा, टफ से टफ क्वेश्चन उनको दे दिया जाए तो वो हल कर लेंगे, बट टाइमिंग की वजह से वो फेल हो जाते हैं कंपटीशन के एग्जाम में, क्योंकि वो ज्यादा टाइम लेते हैं, स्पीड अप नहीं होता। तो कमांड वाइज स्पीड अप अगर आप करोगे तो बहुत कुछ कर ले जाओगे। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कंपटीशन। सब्जेक्टिव बहुत सारे लोग कर ले जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव माइंडसेट लगाना, आजकल के दुनिया में ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव माइंडसेट लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3, 4 जो भी क्वेश्चंस के पॉइंट्स दिए रहते हैं वो लगाना बहुत है। पहले होता था, पहले के एग्जामों में बहुत सारे इश्यूज होते थे कि पॉइंट समथिंग डेसिमल तक की वैल्यूज दे देते थे या फिर एग्जैक्ट वैल्यूज मिल जाते थे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी मार्क करना आसान होता था। लेकिन अभी पॉइंट समथिंग, मान लो किसी का आंसर है 15, किसी का आंसर है 15.1, 15.02, 15.03, तो पॉइंट समथिंग समथिंग में डिफरेंस आपको लेकर के चला जाएगा। तो बस आपको ऑब्जेक्टिव माइंडसेट होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है माइंडसेट ऑफ ऑन दैट टाइम। ये पॉइंट क्यों हमने लिया है, देखो जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, सारी चीजें वहीं छूट जाती कि 6 महीने तैयारी किया या साल भर तैयारी किया, 2 साल तैयारी किया, ये कुछ मैटर नहीं करता है। सब मैटर आता है माइंडसेट पे, कि जब वो 3 घंटे आपका दिमाग कैसे परफॉर्म कर रहा है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो उस 3 घंटे में जब भी आप एग्जाम देने जाओ, तो अपने माइंड को रिलैक्स फील कराओ और प्रेशर झेलना सीखो, प्रेशर में काम करना सीखो, क्योंकि प्रेशर में जब आप काम करना सीखोगे ना, तो वो उसका रिजल्ट जब आप उसमें परफॉर्म करोगे तो एक कॉन्फिडेंट बढ़ता और उसका रिजल्ट नेक्स्ट लेवल पे आया था। बेटा मैं बस आप लोगों से यही बोलना चाहता हूं, अपना माइंड सेट सही कर करके जाए तभी एग्जाम में जाए, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताया है, पहला कि बेसिक क्लियर होना चाहिए टाइमिंग को लेकर, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव माइंड सेट होना चाहिए, और उसके बाद एग्जाम के टाइम में आपका माइंड सेट क्या है, अगर ये सारे चीजें आप मिला करके क्लियर कर लो, तो कोई भी एग्जाम हो, आईएएस हो, पीसीएस हो या कोई भी छोटे लेवल का एग्जाम हो, आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि ये चीजें ना, देखो ये चीजें बहुत बेसिक होती है। जब आप तैयारी करने जाते हो ना, तो कोचिंग वाले तो बस ऐसे बता देते हैं कि हाँ चीजें होती हैं, लेकिन अगर जब तक आप सीखोगे नहीं ये चीजें ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। तो बस मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, जो लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट सर्विस की, बैंक पीओ की, बैंक की जॉब कर रहे हैं, उसकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को समझे और मैं जो कहना चाहता हूं वो आप लोगों तक पहुंचे।
तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।